हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक स्प्रे शेयर करने वाली हूँ। आप चाहे तो उसको मेकअप स्प्रे भी बोल सकते हो, या फिर आप टोनर भी बोल सकते हो, या फिर आप फेस मिस्ट भी बोल सकते हो। मतलब आप कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं, लेकिन वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिशियल तो है ही आपके फेस के लिए। बहुत ही अच्छा काम करता है, अमेजिंग काम करेगा ये। क्योंकि जब मैं टोनर वगैरह यूज़ नहीं करती थी, जब मैं मिस्ट वगैरह यूज़ नहीं करती थी या मेकअप फिक्सर नहीं यूज़ करती थी, तो मैं हमेशा इसी तरह के DIYs स्प्रे बना लिया करती हूँ। और पहले बना लेती थी, अब तो कम बनाती हूँ, लेकिन हाँ, बनाने मुझे अच्छा लगता है और मुझे ये बहुत अच्छे भी लगते हैं बनाकर, क्योंकि मैं यूज़ बहुत अच्छे से करती हूँ इनको। और इनका यूज़ अच्छा भी रहता है, क्योंकि आपकी स्किन पर कोई इफ़ेक्ट असर नहीं होता, अच्छा असर देता है, ख़राब असर नहीं होता है इसका। तो फटाफट से देख लीजिए, और उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ बने रहिए और लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद ही आप आगे बढ़िए, तो प्लीज़ लाइक करिए, बिल्कुल फ्री होता है। शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, रिचा रॉय चैनल नया देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर का बटन होता है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा। जैसे ही मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है। तो फटाफट से मैंने ले लिया है रोज़ वाटर, इसमें मैं बना रही हूँ। पहले मैं एक बाउल में बना रही हूँ, मैंने लिया है डाबर का रोज़ वाटर। और सेकंड इंग्रेडिएंट्स मैं लूँगी, पहले ये जो रोज़ वाटर है, ये आपके फेस के मतलब स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है, और ये बहुत ही अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत अच्छी मतलब जो भी आप इसको जब भी यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन एकदम रिफ़्रेश हो जाएगी। जैसे आप कहीं से आए हैं और थका थका सा आपका फेस है, मतलब ऐसा लग रहा है डल डल सा फेस है, और जैसे ही आप इसको लगा लेते हैं ना, एकदम स्प्रे कर लेते हैं अपने फेस पर, तो एकदम से आपकी स्किन हाइड्रेट तो हो जाएगी, मतलब हाइड्रेट भी हो जाएगी, और स्प्रे से एकदम जो फ्रेशनेस आती है ना फेस पर, तो वो भी ज़रूर आ जाएगी। तो मैं सेकंड इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ले रही हूँ एलोवेरा का जेल। एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा होता है, आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हो, या फिर आप पतंजलि का ले सकते हो, आप सौंदर्य इसमें जो सौंदर्य एलोवेरा जेल आता है वो ले सकते हैं, या फिर आप बहुत सारे जेल हैं, आप ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत सारे जेल आपको मिल जाएंगे, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अगर ये आपके पास है तो ये भी बहुत ही अच्छा है। तो मैं इसका 1 स्पून ले लूँगी, इसमें बस मैं 1 स्पून ले ले रही हूँ, और इसको इसमें मैंने 1 स्पून लिया था, और इसमें अच्छे से मैं मिक्सअप कर ले रही हूँ। इतने अच्छे से मिक्स करना है कि सारा अच्छे से मिक्स हो जाए, थोड़ा टाइम लगता है इसको मिक्स होने में, लेकिन अच्छे से मिक्स हो जाता है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा सा इसमें जैसे आप विटामिन ई का कैप्सूल आप मिला सकते हो, या आपके पास इसेंशियल ऑयल्स हैं तो आप वो डाल सकते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं कि विटामिन ई का कैप्सूल, या फिर एसेंशियल ऑयल, या फिर आप जैतून का तेल भी डाल सकते हो, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा होता है आपके फेस के लिए। तो आप वो भी सब यूज़ कर सकते हो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये इनफ है, आप ऐसे ही बना लीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव है आपकी स्किन, तो आप थोड़ा सा पैच कोई भी जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं तो उसको थोड़ा सा यूज़ करके देख लीजिए कि आपको ये सारी चीज़ें सूट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये जो चीज़ें होती है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि वैसे तो सभी को सूट करता है, क्योंकि एलोवेरा तो बहुत ही अच्छा होता है, सारी स्किन वालों को सूट करता ही करता है। वो कोई और वजह होती है जो कि आपको सूट नहीं कर रहा है, मतलब लगता ऐसा है कि इससे नहीं, ये नहीं सूट कर रहा है, बट ये बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स, और ये आपकी स्किन पर बहुत जल्दी ऑब्जर्व भी होता है, और आपकी स्किन एकदम रिफ्रेश, और अगर आपकी स्किन पे थोड़े से भी कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी इससे सॉर्ट आउट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स मैंने इसमें बॉटल में भर लिया है, ये स्प्रे बॉटल है, ये मैंने ये गुलाब जल का जो स्प्रे बॉटल बचता है ना रखा हुआ, खाली हो जाता है तो मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, इसका मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। इसमें ही कुछ भी जैसे घर में कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ जैसे अपने फेस से रिलेटेड, तो मैं इसको वॉश करके इसमें ही भर लेती हूँ जो भी बनाना होता है। जैसे स्प्रे ही बनाती हूँ मैं ज़्यादातर, तो मैं इसमें ही रख लेती हूँ। तो और अगर कोई स्प्रे आता भी, जैसे बायोटेक का जो स्प्रे आता है, कुकम्बर है या फिर हनी वाला है, तो वो स्प्रे में नहीं आते हैं, तो मैं इसमें ही डाल के रख लेती हूँ और इसी से स्प्रे करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें भर लिया है और आपको इस तरह से सेक करना है इसको, इस तरह से, और बस ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। 2 मिनट्स के बाद ये अपने आप से ड्राई हो जाएगा और आप इस पर मेकअप करना चाहते हो मेकअप भी कर सकते हो। अगर आपका फेस मतलब वो क्लीन है तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई मतलब आप मॉइस्चर लगा लीजिए कोई, अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं तो। अगर आपको इसके बाद मेकअप करना है तो आप कहीं जाना जा रहे हैं तो मेकअप भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इस पर कुछ नहीं कर सकते हो, आप जो भी चाहें आप वो कर सकते हैं। हाँ अगर आप कहीं से आए हैं और आप मेकअप उतारने के बाद जैसे आप फेस वॉश कर लेते हैं ना जब क्लीन रहता है फेस, तब इसको लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट भी देगा ये आपके फेस को, और आपके फेस पर ग्लो भी आएगा, आपकी जो एक्स्ट्रा जो पोल्यूशन और डर्ट वगैरह जो होगी ना अगर वो उस समय लगा लेंगे आप मेकअप में, तो ये इफ़ेक्ट गलत इफ़ेक्ट देगा। मतलब जो भी आपके जो ओपन पोर्स ओपन हो रखे होंगे ना, जैसे स्वेटिंग आती है समर्स में, तो स्वेटिंग हो रखी है तो उसमें ओपन पोर्स हो गए, ओपन पोर्स तो हो ही जाते हैं स्वेटिंग आती है, तो अगर तब आप लगा लेंगे जैसे ही आएंगे तो ये एकदम से आपको दाने क्रिएट कर देगा, फिर आपको लगेगा कि इससे हो रहे हैं, लेकिन इससे नहीं होंगे फ्रेंड्स। वो आपको धूल मिट्टी जो भी आपके फेस पर चली गई थी, जो लगी हुई थी बाहर से, बाहर गए थे आप तब, तो फिर आप इसको यूज़ करोगे तो डेफिनेटली इससे आपको दाने वगैरह हो जाएंगे। इसलिए आपको फेस को हमेशा क्लीन करके ही इसको यूज़ करना है। जब आप कहीं से बाहर से आते हैं तब, मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि जब आप बाहर से आते हैं तब आपको फेस वॉश करके इसको यूज़ करना है जो मैंने बनाया है टोनर, आप टोनर बोल लीजिए मतलब कुछ भी बोल लीजिए, मैंने बताया है टोनर मिस्ट कुछ भी कहें आप, या मेकअप फिक्सर। हाँ आप मेकअप के बाद जैसे आप कहीं जा रहे हैं, मेकअप है आपका, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सिर्फ अपने कुछ छेड़ना नहीं है, बस मेकअप हुआ आपका, मेकअप के बाद आपने ऐसे ऐसे सेक किया इसको और इस तरह से वेट मतलब फेस पर, मेकअप वाले फेस पर आप अप्लाई कर लेंगे तो ये इनफ है, और फिर आपको छेड़ना नहीं है, अपने आप से ड्राई होने दीजिए, बस दैट्स इट, और आप आराम से बाहर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। तो मैंने फ्रेंड्स बता दिया है आपके इसके यूज़ क्या हैं, आपको ये कैसे बेनिफिट देगा। अगर आप बनाना चाहें तो इसको ज़रूर बना के एक बार तो देखिए, जो भी चीज़ें होती हैं होममेड होती हैं, होममेड चीज़ें तो आपको ट्राई करनी, अगर गर्ल्स नहीं ट्राई करेंगी ये सारी चीज़ें तो कौन करेगा। तो गर्ल्स हमेशा ऐसी चीज़ों को ट्राई करती रहती हैं, मैं क्या मतलब हर लड़की ये सारी चीज़ें ट्राई करती ही करती, अपने आप से बनाती ही हैं, तो ये सारी चीज़ों को अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं मार्केट से, मतलब नहीं ऑनलाइन भी नहीं आप शॉपिंग करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये मतलब आप घर में ही बना सकते हो, कुछ भी नहीं लगने वाला है, आपके पास रोज़ वाटर हमेशा रहता ही है घर में, तो आप इसको आराम से बना सकते हो। एलोवेरा जेल भी होता है और विटामिन ई के कैप्सूल भी आजकल सभी लोग रखते हैं, और आलमंड ऑयल भी, स्वीट आलमंड ऑयल भी हमेशा सब लोग रखते हैं, और ऑलिव ऑयल भी रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप रखते हैं तो आप आराम से इसको बना सकते हैं घर वाली चीज़ों से, मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, बस ऐसे ऐसे इसमें डाला और मिलाया और हो गया काम। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, और लाइक करेंगे तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग नए देख रहे हैं मेरे चैनल रिचा रॉय पर, नए आए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ रिचा रॉय चैनल नया देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन होता है और रेड कलर के बटन को जैसे हिट करेंगे आप तो बेल आइकन आ जाएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो मेरा जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी वो आपके पास पहुँच जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल फ्री होता है, तो आप आराम से कर सकते हो। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप ये सारी चीज़ें बना रहे हैं कि नहीं। मैंने बहुत सारे, अगर आप फेशियल करना चाहते हैं, फेशियल आप मार्केट मतलब पार्लर नहीं जाते हैं, आप घर में ही फेशियल करते हैं, होममेड फेशियल करना चाहते हैं, आप मतलब नहीं खरीदना चाहते हैं, मतलब परचेस नहीं करना चाहते हैं मार्केट के जो रेडीमेड फेशियल आते हैं, तो मैंने होममेड फेशियल भी बहुत सारे बताए रखे हैं, तो आप वो ट्राई करके देखिए। ट्राई करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, ट्राई करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह की चीज़ें बना रही हूँ, किस तरह की चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर, और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बाय।